तस्वीर आ चुकी है सेकेंड मुकाबला का। गलत तरीके से टैकिंग किए जिसके कारण फॉल आया है सान टेंस के अगेंस्ट में। अब फ्री किक चल करके आया है अमित ब्रदर्स के लिए। ऐसे फ्री किक कई मौके पे तो स्कोर लाता है। लेकिन काफी चतुराई भरी क्लियरेंस आया है पान टीम के खिलाड़ियों के द्वारा और काफी अच्छा बॉल को क्लियरेंस के साथ में अच्छा बॉल को बनाया था, लेकिन बैक पास के जरिए फिर से बॉल को बनाने का प्रयास जैसे नंबर 11 से मिस पास हुआ है, जिससे बैटिंग टीम का लगातार मिस हो रही है। डिफ्लेक्शन के कारण लगातार मिस पास दोनों ही टीम के खिलाड़ियों से हो रही है। फिर से मिस होता हुआ अमित ब्रदर्स के स्ट्राइकर का भी ऐसे डिफ्लेक्शन हो रही है, कहीं ऐसे मिस्टेक आपके टीम के लिए भारी ना पड़े। लंबा पास के जरिए बॉल को बनाने के लिए अमित ब्रदर्स के खिलाड़ी क्या स्कोर आता है और वो स्कोर आया है अमित ब्रदर्स खिलाड़ी काफी बेहतरीन और तरोताजा होकर के मानो आया और ग्राउंड में अपनी फुर्ती दिखाते हुए मैच की शुरुआती क्षणों में ही स्कोर लाया अपनी टीम के लिए और अभी सान टेंट के ऊपर एक सोने की बढ़त बना चुकी है। अच्छा क्रॉस आया था, अच्छा असिस्ट इसको स्कोर में बदला सीधे नेट पे गोल मोमेंट में। अभी अचानक मानो मैच का तबादला हुआ है ऐसा लगा, क्योंकि कोई ऐसा स्कोर का मोमेंट नहीं था, तुरंत सेकेंडों में मोमेंट बनाया और अपनी टीम के लिए स्कोर लाया है और फिर से। लेकिन कीपर सामने उनके दस्ताने काफी मजबूत हैं, कई जगहों पे मैंने देखा है इसका अच्छी इन्होंने कीपिंग का प्रदर्शन किया है। कई टूर्नामेंट में इन्होंने अपने दस्तानों के बल पे मैच को जिताया है। फिर से यानी सान टेंट के खिलाड़ियों को अपनी जगहों पे सुधार करना पड़ेगा, अन्यथा दूसरा स्कोर आने में देर नहीं होगी ऐसी गलतियां होगी तो। लेकिन अभी तक तो मौके ज्यादा सान टेंट के स्ट्राइकर के पास आया है, लेकिन अच्छा असिस्ट नहीं आया। फिर से बॉल यानी लगातार अटैकिंग खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं अमित ब्रदर्स के खिलाड़ी। बैक टू बैक अटैक कर रहे हैं। अटैकिंग का मतलब होता है कि अब कहीं ना कहीं पांच अटैकिंग अगर आप अटैक करते हैं तो उनमें से अगर एक भी लग गया तो
टीम के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। तो इन्होंने मूड बना करके आया है कि हमें अटैक करना है आज शांत। और मौका है शांत टीम के खिलाड़ी के लिए। जैसे नंबर 7 बॉल को क्या अच्छा क्रॉस, मिस क्रॉस। 50% आप उस मुकाम तक अपनी टीम को ले जाते हैं और जाकर के विफल कर देते हैं, जिसके जरिए क्वार्टर फाइनल के लिए आपको क्वालिफाई करना है। फिर से मौका आया है अमित बरोस के खिलाड़ियों के लिए। मजबूत शॉट था लेकिन उससे बेहतर कीपर के दस्ताने मजबूत है। वापसी का अच्छा मौका आया है, अभी गोल अभी भी इस क्षेत्र में है। मौके का क्या इस मौके को फायदा उठा पाते, लेकिन अभी भी काफी डिफ्लेक्शन हो रही है उस क्षेत्र में, जिस में नहीं होना चाहिए उनके लिए, क्योंकि डिफेंस से कहीं ना कहीं वो मतभेद जुटा नहीं पा रहे, जिसके कारण अमित बरदस के डिफेंस अच्छा क्लियरेंस दिए हैं अभी तक। चुन्नी के अंदर इन नौ लाने की क्या डालकर उसको लगा दिया।
लड़के बोल रहे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। लड़के बोल रहे गर्लफ्रेंड नहीं मिल रही। इनके पास बार बार, लेकिन इस मौके का फायदा नहीं उठा पाए अभी तक। अच्छे से जैसे नंबर सिक्स बॉल को अच्छे एरिया में डाले अपने खिलाड़ियों के लिए। लगातार इनके डिफेंस के द्वारा बैक पास के जरिए बॉल को बनाने का प्रयास है, लेकिन इसमें सफल नहीं हुए अभी तक। और कहीं ना कहीं जल्द इस क्षेत्र में शुरुआत करना होगा, तभी चादर के टीम को अपनी बराबरी पर लाएंगे, अन्यथा कहीं देरी हो गई तो फिर इस मैच क्या इस पूरे टूर्नामेंट से आप बाहर हो जाएंगे। मौका चल करके आया था, लेकिन काफी कमजोर शॉट आया। किसी कीपर के लिए बैक पास देना कई मौके में तो काफी नुकसान मैंने देखा है। क्या मौका चल करके आया, स्कोर कर पाते तो दो खिलाड़ी मौजूद थे, लेकिन दोनों ही खिलाड़ियों से चूक और अपनी टीम के लिए दूसरा मौका जो आया था स्कोर का, और मौके को गवा दिए हैं। ऐसे मौके आपको मिलेंगे नहीं दोबारा। बड़ा मिस इस मैच के लिए हो सकता है। और अगेंस्ट टीम के लिए फॉल आया है, फ्री किक का। लगभग उस एरिया से ज्यादा दूर नहीं, यानी प्लांटी शूटआउट के जो क्षेत्र होते उससे थोड़ी सी दूरी पर किक आया है। अगर अच्छी किक आया यानी अच्छा, इस टूर्नामेंट से डिस्क्वालीफाई होने के लिए आपका जो समय निर्धारित किया गया है उस समय के बाद डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। इसलिए मौके से पहले जो मौके आ रहे हैं तो अगला मौका आने से पहले इसी मौके का फायदा उठा लीजिए। तो शूट के लिए तैयार जर्सी नंबर सिक्स सांटिन के खिलाड़ी। अच्छा शूट आया था, लेकिन जो डिफेंस एरिया पे तैनात किए गए थे उनके खिलाड़ी, उन्होंने टीम को सांटिन के खिलाड़ी को दो मौके मिले हैं जिसको स्कोर में नहीं बदल पाए। और अमित परवेश के खिलाड़ियों को तीन मौके मिले हैं जिसको उन्होंने एक ऐसे मौके को स्कोर में बदला है। और दूसरा जो मौका था मानो 99% स्कोर था, लेकिन उस 1% का जो रहा है अभी तक में, चार असिस्ट चल करके आया है अमित परवेश के लिए और सान टेंट के लिए तीन असिस्ट चल करके आया है। अब गोल परसेंटेज तो 45-55 कर रहा है अमित प्रदेश के खिलाड़ियों के पास, 55% गोल परसेंटेज रहा है और 45% गोल परसेंटेज सान टेन के खिलाड़ियों के पास रहा है। अपनी परसेंटेज को भी बढ़ाना होगा तभी स्कोर आएगा। शूट आया था लेकिन दिशाहीन। बॉल को बढ़ा रहे थे लेकिन गलत तरीके से टैकल लाया है जिसके कारण फॉल आया। अच्छा बॉल को बढ़ाया था लेकिन काफी मिस हो रहा है उस क्षेत्र में। अभी तक इन्होंने तीन चार ऐसे मौके को गवा चुके होने में जो समय है उस समय के दौरान आप बाहर हो जाएंगे, इसलिए समय के अनुरूप आप अपनी गलतियों में सुधार कर ले।
अच्छे से मौका लगातार मौका बना रहे शान टेंट के खिलाड़ी, लेकिन अच्छा असिस्ट नहीं कर पा रहे अभी तक। और फिर काफी अच्छा डिफेंस का प्रदर्शन रहा है अमित ब्रदर्स के खिलाड़ियों का। शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने डिफेंस का मुजाहरा पेश किया है, अभी तक कोई भी हड़बड़ाहट नहीं दिखी है अमित ब्रदर्स के। घास का खेल स्टार्ट हो चुका है और मौका लगभग आ ही गया था शान टेंट के खिलाड़ियों के लिए। 10,000 लकी थ्री को 10,000 और कॉर्नर क्रॉस करने वाले को 10,000 और बैक लक को 10,000, यानी लगभग सारी लाइनों पे आपको प्राइज ही प्राइज रखा गया है। तो इस हाल ही में अगर आप अपना किस्मत और अपना भविष्य लगवाना चाहते हैं और इस 1,70,000 रुपए का हकदार बनना चाहते हैं तो 11 अगर आप मैच में बराबरी पर भी आते हैं तो आप को मुकाबले से हो सकता है दूसरी येलो कार्ड के बाद बाहर होना ना पड़े, तो आप अपना राशन के चक्कर में इस कार्ड को ना देखें। मानो सेकेंड हाफ के बाद थोड़ी सी अपनी टीम में जान लेकर के आए हैं शान के टीम मैनेजर अपने खिलाड़ियों के ऊपर, क्योंकि मौके बनते उन्हीं के पास है जो मौके बनाने का प्रयास करते हैं। तो लगातार प्रयास में लगे हुए हैं इनके मिडफील्डर कि हमारे खिलाड़ियों को मैं अच्छा असिस्ट करूं जिससे अच्छा क्रॉस के जरिए एक स्कोर आ जाए जिससे हमारी टीम बराबरी पर आ जाएगी। तो यही वो मौका हो सकता है, अच्छा हेडर आया था लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया है कीपर के दस्ताने काफी मजबूत है, अगर इनको भेदना है तो आपको रॉकेट का शॉट लगाना होगा क्योंकि इनके अक्षर से अमित ब्रदर्स के खिलाड़ी और अच्छा शॉट आया था थोड़ी सी चूक यानी थोड़े से दिशा ही देखा है शुरुआती चरण से ही इनके खिलाड़ियों का कि अटैक करना है, अगर अटैक मैं कर रहा हूँ तो 3-4 अटैक में तो एक को तो हमारी मंजिल पे पहुंचना ही है, क्योंकि रणनीति शुरू से ही एक ही है कि हमें अटैक करना है। अच्छी सोच के साथ इन्होंने शुरुआत किया है, इसका फायदा भी देखने को मिला है मैच के शुरुआती क्षण ही इसके लिए स्कोर आया था और अभी तक
हेलो 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 स्कोर जो उसने टीम के लिए लाया था उसी खिलाड़ी ने दूसरा स्कोर भी लाया था बेनेडिक्ट लकड़ा जिन्होंने अपने टीम को लगभग उस मुकाम तक ला खड़ा किया है यानी जो अपने चक्र में क्वालिफाई कर उनका खेल का प्रदर्शन किया है बेनेडिक्ट लकड़ा जिन्होंने दूसरा स्कोर अपने टीम के लिए किया। अरे इनका अटैक जो होता है ये डायरेक्ट नेट पे जाता है तो आने वाले विपक्षी टीमों से ही मैं आग्रह कर रहा हूँ इनका जो स्कोर होता है यानी जो इनके पैर से जो शॉट निकलती है सीधे नेट पे चली जाती है। अभी तक इनका अटैक 100% रहा है। काफी संघर्ष कर रही है शान टीम के खिलाड़ी वापसी करने के लिए लेकिन अभी तक वापसी करने में कोई भी सफलता उनको नहीं मिली है। लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मैच में कुछ वापसी हो लेकिन वापसी के बजाय और भी फिसलते जा रही है टीम के 100% इस मौके का जरूर फायदा उठाएंगे और जो मौके शान टीम के खिलाड़ी को मिले हैं उसको मौके का उन्होंने फायदा नहीं उठाया जिसका नतीजा अभी 2-0 से पिछड़ रहे हैं और अगर इसी तरह से इनका खेल रहा तो कहीं और पिछड़ ना और अपने पूरे 200 करोड़ के साथ झोंक देना होगा ग्राउंड में तभी वापसी कर सकते हैं क्योंकि अभी भी 200 से पिछड़ रहे हैं शान टीम के खिलाड़ी। और अनीत ब्रदर्स के खिलाड़ी जो भी अच्छा काफी अच्छा इनका क्लियरेंस आया है अभी तक क्योंकि अगर अच्छा क्लियरेंस आपका आता रहेगा तो अपनी टीम को आप नेक्स्ट राउंड में क्वालिफाई कराने के लिए तैयार की तरह खड़े हैं।
जो भी सामने वाली टीम है वो आपको अगर भेजने में नाकामयाब रही तो फिर आपका 100% पक्का हो जाता है क्वार्टर फाइनल का मुकाबला। कभी तक तो इनका डिफेंस बहुत ही बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किए हैं। काफी मेहनत कर रहे हैं सांटेन के खिलाड़ी वापसी करने के लिए, लेकिन लगातार न्यूज पास आ रही है और फिर से अगेन खिलाड़ियों की ओर से उस क्षेत्र को, लेकिन थकावट का महसूस अभी कर रहे हैं जैसे नमस्ते नमित बड़ोस के खिलाड़ी। अभी साफ उनके खेल में दिखता हुआ थकावट, तो कहीं ना कहीं उन्होंने अमित बड़ोस के खिलाड़ियों ने काफी मेहनत किया है जिसका अभी नजारा भी दिखा। काफी थकावट दिख रही है खिलाड़ियों के ऊपर, तो कहा गया है आज मेहनत करोगे तो कल का फल जो आपके लिए अच्छा होगा, तो उन्होंने आज करके भी दिखाया। शुरुआती क्षणों में ही सांटेन के खिलाड़ियों के ऊपर दबाव बना और बैक पास के जरिए सांटेन के खिलाड़ी बॉल को बनाने का प्रयास कर रहे हैं और बॉल को लगातार बढ़ाने का कोशिश में लगे हुए, लेकिन विफल हो जा रहे हैं लगातार उस क्षेत्र से उनका बॉल क्लियर है। अच्छे से यानी लगातार डिफ्लेक्शन देखने को मिला है सांटेन के खिलाड़ी के द्वारा, जिसके कारण अभी तक मैच में 2-0 से पिछड़े हुए हैं। तो बचे हुए कुछ समय है, इस समय में परसेंट देना होगा क्योंकि अभी तक का मैच में मैं देख रहा हूँ 2-0 से आगे रहने के बावजूद भी अमित बड़ोस के खिलाड़ी काफी मेहनत कर रहे हैं अपनी टीम को और बढ़त बुलाने के लिए, जबकि उनका 2-0 से बढ़त पक्का हो चुका है। उसके बावजूद जो लगातार प्रयास में जुटे हुए कि मैं अपनी टीम को और 1-0 यानी एक और गोल से बढ़त दिला दूं, लेकिन का है नहीं तो अभी तक इनका अच्छा क्लियरेंस आया था और क्या अच्छा क्रॉस आएगा आया था, लेकिन बात कर रहा हूँ फिर से क्रॉस, लेकिन खिलाड़ी मौजूद नहीं और क्या अच्छा शूट आएगा और आया भी और 1-2 का स्कोर हो गया। यानी सांटेन के खिलाड़ी जो प्रयास में लगे हुए थे कि मैं जो मिला है अभी क्या उस मौके का फायदा उठा पाते कॉर्नर किक के लिए तैयार जैसे नंबर 11। अच्छा मौका आया है आखिरी क्षणों पे इसके लिए, मौका तो अच्छा था और कीक भी काफी बेहतरीन आया था, लेकिन हेडर की कमी साफ दिखी है क्योंकि ऐसे मौके पे और फसल आ गया है।